ये देखिए बच्चा का हेल्दीपन, ये तो अभी घास नहीं खा रहा है। कितने दिनों का है? अभी सर 2 महीना इसका अच्छा से नहीं हुआ, मात्र 2 महीने का। 2 महीना अच्छा से नहीं हुआ है। और कितना इसका वजन होगा सर, ये बताएंगे? 12 केजी का है। 12 केजी का बचपन से अगर आप कहता है कि माँ का दूध सब जगह काम करता है, माँ का दूध अगर पी करके आपका सीना चौड़ा है तो सब दिन आप कहते हैं 10 रुपया बकरी खाती है, 20 रुपये बकरी खाती है, मेरा एक एक बकरी 40-40 रुपये खाती है। नमस्कार, मैं विकास कुमार सिंह एक बार फिर आप सभी का स्वागत करते हैं मंथन एक नई सोच में। दोस्तों आज मैं पहुंचा हूं जाने माने चर्चित गोट फार्म आदर्श गोट फार्म में, नवादा के बिरनावा गांव में। और हमारे साथ है जितेंद्र जी जो काफ़ी अनुभवी व्यक्ति हैं फार्मिंग के क्षेत्र में, काफ़ी दिनों से फार्मिंग कर रहे हैं। यहाँ पे हम पहुंचने में विलंब हो गया थोड़ा सा, इस वजह से ये जो अभी रात के समय में भी हम वीडियो शूट कर रहे हैं आप लोगों के लिए, तो थोड़ा सा कंप्रोमाइज आप लोग कीजिएगा। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। हमारे जो नए दर्शक हैं उनको एक छोटा सा परिचय दीजिए पहले। जी नमस्कार, आपका भी स्वागत है सर इस आधार गोट फार्म में जी। और सभी दर्शकों का भी स्वागत है आदर्श गोट फार्म की तरफ से जी। सर एग्जैक्ट लोकेशन हमारे दर्शक बंधु को आदर्श गोट फार्म का बताएंगे थोड़ा सा, कि ताकि जो भी हमारे दर्शक समझ पाएंगे एक अच्छे तरीके से और एक बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। जी आदर्श गोट फार्म ये बिहार जिला नवादा गाँव बिरनामा पोस्ट बिरनामा थाना काशीचक जिला नवादा पड़ता है सर। ये फार्मिंग के क्षेत्र में सर कब से कर रहे हैं और किसानों के साथ साथ आप मदद भी कर रहे हैं, तो कब से ये शुरुआत कब हुआ और कैसे आपको लगा कि हमें गोट फार्मिंग की शुरुआत करना चाहिए, ये भी हमारे दर्शक बंधु को थोड़ा सा बताएंगे। मैं वैसे से सुनार हूँ सर, मैं सुनार जात से हूँ, मेरा सोना चांदी का दुकान भी है काशीचक बाजार में जी। ऐसे ही शौकिया हमारे एक दोस्त हैं परम मित्र परमानंद साहु जी, वही बताएं एक बार कि बकरी पालन एक अच्छा व्यवसाय है, उसमें आकर के देखो। तो उसके विषय में हम जानकारी लिए, जानकारी लेने के बाद हमें एक शौक जगा कि मैं बकरी पालन करूँ। जब बकरी पालन करने का शौक जगह तो सोचा कि आसपास तो ब्लैक बंगाल मिल ही जाता है, देख ही रहा हूँ, कुछ नया ब्रीड लाया जाए अपने क्षेत्र में जिसको लोग देख सके समझ सके। तो मैंने बर्बरी के बारे में सुना, बर्बरी के बारे में जाना, बर्बरी को देखा तो मुझे बहुत पसंद आई, उसकी खूबसूरती, उसका ग्लेजिंग, स्मार्टनेस, और देखा कि बर्बरी बहुत अच्छी नस्ल है और अपने कदकाठी में ब्लैक बंगाल से मिलती जुलती नस्ल है, दूध में भी परिपूर्ण है, बच्चे देने की कैपेसिटी बहुत अच्छी है, सुंदरता इसके पास है, इसलिए मैं बर्बरी नस्ल की कुछ बकरियां अच्छे क्वालिटी का लाया और वहां से फार्म शुरू किया। मेरा फार्म शुरू किए हुए सर लगभग 3-4 साल हो चुका है। पहले मैं कुछ बकरी से अपना ही ऐसे ही चला रहा था, फिर धीरे धीरे बढ़ाया, उसके बाद जब कुछ ज़्यादा बढ़ गया तो मैं लोगों को जी मदद भी करते जी हैं। बड़ा फार्म भी एक मैं बनाया, मेरे तरफ से छोटा मोटा ही है, और लोगों को मदद करना मेरा एक शौक भी बन गया, अच्छी बकरी प्रोवाइड करना, लोगों को मशवरा देना, अच्छा बातों को बोलना, कोई गलत कर रहा है तो उसके विषय में बताना, लोगों के तक आवाज़ पहुंचाना, ये सब थोड़ा सा सोच करके। हम देख रहे हैं सर कि यहाँ पे आप पूरे का पूरा बड़बड़ी बकरियों का पालन कर रहे हैं सर, तो इतना बढ़िया जो ग्रोथ आपकी बकरियाँ दिख रही हैं सर, ये क्या कारण है और इसमें राज क्या है, ये आज हमारे दर्शक को बता ही दीजिए, ताकि वो लोग भी अगर इस तरीके का फार्मिंग करना चाहे, इस तरीके का बकरियों का अपना फर्म बना करके फार्मिंग एक बेहतर ढंग से करना चाहे तो वो लोग भी सफल हों इसमें। जी क्या है सर, देखिए बकरी पालन जो कर रहे हैं जी उनको एक शौक रखना चाहिए और उसके पीछे जोड़ जाड़ के खिलाइए पिलाइएगा तो वो सक्सेस नहीं होगा। शौक के साथ साथ बकरी को अच्छा भोजन देना पड़ेगा, अच्छा उसका क्वालिटी पसंद करके लाना, सबसे बड़ी बात है कि अच्छा क्वालिटी का बकरी खरीदेंगे तभी आप उसको अच्छा बना सकते हैं। अगर चूहे को हम कितना भी खिला दें तो वो चूहा ही रहेगा, हाथी नहीं बनेगा, लेकिन जहां हम हाथी को अगर खिलाएंगे तो हाथी बनेगा ही। इसलिए बकरी सर अच्छा क्वालिटी का लाइएगा, ग्रोथेबल लाइएगा, गुलदार लाइएगा, कमर का भरा हुआ लाइएगा, लाइट पॉलिश चमकदार रहेगा, ओरिजिनल प्योर बर्बरी रहेगी तो वो मोटा होगी, क्योंकि बर्बरी का मान लीजिए कि गुणवत्ता ही वही है कि अच्छा गुलदार होती है, खूबसूरत होती है, भरी भराई होती है। सर बहुत सारे ऐसे किसान भी हैं जो अच्छी क्वालिटी के तो बकरियां लाते ही हैं, ला रहे हैं आप जैसे लोगों से लेकर के वो फार्मिंग की शुरुआत कर रहे हैं, अच्छी क्वालिटी के ले जा रहे हैं, लेकिन हम ये जानना चाह रहे हैं, हमारे किसान भाई जानना चाहेंगे कि अच्छी क्वालिटी के बकरियां ले करके उसको आगे भी अच्छी क्वालिटी का कैसे बरकरार रखें, इस पर थोड़ा सा हमारे दर्शक बंधु को बताएं सर। अच्छी क्वालिटी का बकरिया सर हर व्यक्ति नहीं खरीद पाते हैं, हर व्यक्ति हैं ज़्यादा के फेरा में जी, 10 लेंगे 20 लेंगे 25 लेंगे। 25 बकरी आप कहीं से खरीदेंगे अच्छा नहीं खरीद सकते हैं सर। आप 2 बकरी खरीदिए, 4 बकरी खरीदिए, 5 बकरी खरीदिए, पसंद करके खरीदिए और वहाँ से खरीदिए जहाँ पे फार्मिंग होता हो, स्वस्थ बकरी मिलता हो। और मेरा स्वस्थ रहने का बकरी का सबसे मुख्य वजह है सर कि मेरा सब स्टॉल फीड पे भी है और सब सेटअप बकरी है, मेरे यहाँ 1 साल 2 साल से रह चुकी है,
इसलिए यहाँ पे जब एक जगह आप रहना शुरू कर दीजिएगा और वहाँ पे खान पान अच्छा से खाइएगा, पीजिएगा, खिलाइएगा, तो आप भी हेल्दी हो जाइएगा। यहाँ का पानी इसको सूट कर गया है। क्या सर खान पान आपका क्या है, ये थोड़ा सा दर्शक बंधु को बताएं। हमारा सर देखिए गेहूं का भूसा, लोग दिखाते हैं कि गेहूँ का भूसा डाल दिए, चना का छिलका डाल दिए, हम वो सब नहीं डालते हैं सर। हम गेहूँ का भूसा उसमें दलिया का चोकर मिक्स करते हैं, गेहूँ का घाटा जैसे गाय को सिझा कर देते हैं हम उसको पका करके रख देते हैं, गुड़ पानी कभी कभार देते हैं। घास का हमारे पास उतना व्यवस्था नहीं है सर, क्योंकि अच्छा, मेरे पास हरा चारा आप नहीं देते हैं, उतना नहीं दे पाते हैं। सीजनली जब बरसीम का वक्त आता है ठंडा में तो हम थोड़ा सा 2-3 महीने देते हैं, बाकी नहीं दे पाते उसके जगह। लेकिन सर ये कहा जाता है कि यहाँ पे हम आपको रोकना चाहेंगे, अमूमन ज़्यादातर हम किसान भाई से ये सुनते हैं सर कि जब तक हरे चारा अगर परिपूर्ण मात्रा में अपने बकरियों को नहीं देंगे एक बेहतर ग्रोथ नहीं पा सकते हैं, और साथ ही साथ अगर इसको बीमारियों से दूर रखना है तो हरे चारा का बंदोबस्त करना पड़ेगा। तो सर आप नहीं दे रहे हैं तो किस तरीके का परेशानी भी देखने को मिल रहा है आपको। देखिए सर ये बात सही आपका है, हरा चारा तो बहुत जरूरी है इसको देना जी, लेकिन हमसे संभव नहीं हो पा रहा, उसके जगह अपन एक्स्ट्रा डाइट दे रहे हैं। लोग कहते हैं 10 रुपया बकरी खाती है, 20 रुपये बकरी खाती है, मेरा एक एक बकरी 40-40 रुपये खाती है। 40-40 रुपये अगर हम बकरी को खिलाएंगे, बताएंगे थोड़ा सा। देखिए सर उसमें हम कम से कम एक बकरी को 1 kg डेली हम अनाज देते हैं, दाल का जो चूरन होता है वो, गेहूं का घाटा, उसके बाद थोड़ा बहुत उसमें दलिया मिक्स करके खिलाते हैं। 1 kg 3 पौआ हमारा बकरी, एक बकरी अनाज खाती है, उसके बाद गेहूं का भूसा खाती है, गुड़ पानी पीती है, स्वस्थ हवा ले रही है, प्लस एग्रीमेंट फॉर पाउडर हम लगातार सालों भर चलाते हैं, सबको वैक्सीन करके रखे हैं। मेरा जो बकरी है जड़ से ही मजबूत होता, क्योंकि मेरे पास 2-2, 3-3 kg 2.5 kg दूध करने वाली बकरी है, उससे कम का है ही नहीं। अब जब बच्चा पैदा होगा वो 2.5 kg 2 kg दूध पिएगा बचपन से ही, तो नेचुरली हेल्दी होगा। हम आपको इसका प्रमाण भी देना चाहते हैं, अच्छा मेरे पास है, माँ का एक ही बच्चा है और वो अभी मात्र 1.5 से 2 महीना का है, 10-12 kg का है। उस बच्चा को लाओ आदर्श पकड़ के, ये देखिए यहीं पे मौजूद है, ये देखिए बच्चा का हेल्दीपन, ये तो अभी घास नहीं खा रहा है। कितने दिनों का है अभी सर? 2 महीना इसका अच्छा से नहीं हुआ, मात्र दो महीने अच्छा से नहीं हुआ है। और कितना इसका वजन होगा सर ये बताएंगे? 12 kg का है, 12 kg का मात्र 2 महीना में। दोस्तों आप देख सकते हैं कि आदर्श गोट फार्म का मात्र 2 महीना में ये 12 kg का, इसका हेल्थ देख सकते हैं, इसका बॉडी काठी मांस ये देखिए भरा हुआ है, सब जगह इसका भरा हुआ है। इसकी माँ देखिए ये है सर 2 kg 2.5 kg दूध करती है, समझे ना। उसके बाद ये हेल्थ, अब ये बड़ा होगा, ये बच्चा ब्रीडर है, इसको हम ब्रीडर बनाएंगे, इससे जो बच्चा आएगा हेल्दी आएगा, उसके बाद उसका माँ से जो पठिया आएगी वो भी हेल्दी। तो दूध बचपन से अगर आप कहता है कि माँ का दूध सब जगह काम करता है, माँ का दूध अगर पी करके आपका सीना चौड़ा है तो सब दिन आपका सीना चौड़ा ही रहेगा। तो बकरी के अंदर दूध परिपूर्ण मात्रा में रहेगा तो उसका बच्चा तो सर विकास करेगा। एक और जानकारी हम लेना चाहेंगे आपसे सर कि इतने सारे इतने अच्छे अच्छे ब्रीड हैं, आप इतने अच्छे अच्छे बकरियों का पालन कर रहे हैं, काफ़ी सारे ऐसे युवा हैं आज के समय में बकरी पालन की शुरुआत तो कर रहे हैं सर, लेकिन बहुत जल्द वो फेल हो जा रहा है, काफ़ी कम समय में वो फेल हो जा रहा है कम। आखिर क्या कारण रह रहा है जो फेल हो जा रहा है, रखरखाव सही ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, कि क्या कारण है सर बताएं। सर देखिए रखरखाव तो बाद में आती है, पहले तो खरीदारी आती है जी। लोग ट्रेनिंग तो ले रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, जानकारी लेना चाहिए, और ट्रेनिंग लेने के बाद जो अगला कार्यक्रम होता है वहाँ पे लोग मिस करते हैं, पहले ही बहुत बड़ा फार्म बना लेते हैं। जबकि हम हमेशा अपने वीडियो में जिक्र करते हैं और ऐसा सोचना भी चाहिए कि पहले फार्म मत बनाइए, पहले बकरी को किसी तरह घर में ले जा करके एडजस्ट कीजिए, अगर घर में रखने की जगह नहीं है तो छत पर एडजस्ट कीजिए, छत पर भी जगह नहीं है तो अगल बगल में छोटा सा हल्का फल्का 10-5 हज़ार का एक फार्म बना करके अगर संभव हो तब यहीं से कीजिए और वहाँ पर शुरुआत कीजिए। छोटा सा 2-4-5 बकरी ले जा करके एक्सपेरिमेंट कीजिए, कोई और बिजनेस कीजिए। आज आप देख रहे होंगे बिहार में जो भी सफल हैं जिनके पास 100 बकरी 200 बकरी जो पालन अगर कर रहे हैं कोई बाय द वे वैसा हैं तो उनका और भी बिजनेस है, या तो वो कोई और नौकरी कर रहे हैं या तो कुछ और भी कर करके उसका रख रखाव कर रहे हैं, तब उसका मेंटेनेंस को भरपाई कर रहे हैं। और नया लोग क्या करते हैं कि कुछ नहीं कर रहे, बेरोजगार है, रोजगार के तलाश में बकरी पालन करते हैं और शुरुआत में ही 2 लाख 4 लाख 5 लाख का फार्म बना लेते हैं और उसके बाद बकरी नहीं सही खरीद पाते हैं, गिनती पूरा करते हैं, सोचते हैं कि 5 लाख का हम फार्म बनाए भाई तो इसमें 10-20 बकरी तो चाहिए तभी तो इसका शोभा बढ़ेगा। अब 10-20 बकरी के चक्कर में गलत बकरी भी खरीद लेते हैं और 10-20 बकरी उनको अच्छा मिल भी नहीं पाती है, नतीजा ये होता है कि जो लूटने के लिए बैठा हुआ बिहार में वो उनका पॉकेट लूट लेता है। मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि 10 से कम बकरियों का खरीदारी करें स्टार्टिंग में और उससे आप सीखें अच्छे तरीके से, उस पर पहले आप एक्सपेरिमेंट करें और सीख करके तब आप बकरी पालन को आगे बढ़ाएं।
कैसे? जी जी, सीख करके दो चार बकरी एकदम अच्छी क्वालिटी का, हैवी क्वालिटी का, हैवी दाम दे करके चाहे जहाँ से भी लें वो खरीदें और उससे बच्चा लें। अच्छा एक ब्रीडर सुपर क्लास का CARG का जो कि 100% ब्लड लाइन का हो, अगर बराबरी से करते हैं तो, और उससे बच्चा लें, दो बच्चा, चार बच्चा, छः बच्चा, आठ बच्चा को बढ़ाएं। अपना बकरी जब 10-20-50 हो जाए, अपना घर की बकरी हो जाए, तो एक फार्म बनाइए और एक फार्मर बनिए। हम दावा करते हैं सर, आपके चैनल से भी करते हैं और लोगों के भी चैनल से किए हैं, कि जो शुरुआत में बड़े स्तर से चालू करते हैं वो बिल्कुल फैल का मुंह देखेंगे। बहुत अच्छे अच्छे क्वालिटी का है, बकरियां हैं, बकरियां तो चलिए लेकर के वो शुरुआत कर लेंगे। जाहिर सी बात है कि ब्रीडर का भी आवश्यकता होगा जी। तो ब्रीडर कहाँ से लेंगे सर, और ब्रीडर का असली अच्छे तरीके से पहचान कैसे कर पाएंगे, ये भी बहुत अहम सवाल है सर, इस पर बताएं। ब्रीडर देखिए सर, इसमें मंथन करने हम शुरू में क्या बोले कि इसमें समय दीजिए, 2 महीना 4 महीना 6 महीना आप इसमें समय देंगे तो सीखते सीखते आप एक एक्सपर्ट बन जाएंगे जी। फिर आपको ब्रीडर कहाँ मिलता है ये मालूम होने लगेगा, बकरी अच्छी कहाँ मिलती है ये मालूम होने लगेगा, लोग वैक्सीन नहीं लगा कर बेच रहे हैं ये मालूम होने लगेगा। बकरी का ब्रीडर देखिए सर, CARG बकरी अनुसंधान केंद्र भारत सरकार, जहाँ पे बर्बरी पे रिसर्च होता है, 100% बर्बरी का ब्रीडर वहाँ से उपलब्ध होता है। वहाँ से आप नहीं ला सकते तो हम लोग जैसे व्यक्ति वहाँ से ला करके दे सकते हैं। उसके बाद मान लीजिए ब्लैक बंगाल का करते तो ब्लैक बंगाल का भी ICR है, मान लीजिए इंडियन इंस्टीट्यूट भी है, ब्लैक बंगाल पे भी काम करती, वहाँ से भी ब्रीडर मिलता है, आप वहाँ से 100% का ब्रीडर ले सकते हैं। ब्रीडर ही फार्म चलाता है, 100% का ब्रीडर आप लिए, थोड़ा कम परसेंटेज का भी बकरी आपके पास रहेगा, सिर्फ बकरी में दूध रहेगी, वो क्रॉस करेगा बच्चा 100% का आएगा, आप आगे बढ़ जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं। एक और हम सवाल आपसे करना चाहेंगे सर, कि आज कल काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो बड़े बड़े फार्म तो बनाते हैं, ठीक है, लेकिन वो वैसे किसान जो काफ़ी गरीब हैं, मजदूर वर्ग के लोग हैं, वो लोग अगर फार्मिंग करना चाहेंगे, बकरी पालन को एक बेहतर ढंग से करना चाहेंगे, तो सर कितना उनको लागत लगेगा, इस पे आज खुलासा कर दीजिए। बहुत अच्छी सवाल किए हैं सर। देखिए सर एक बात और बताते हैं, आज UP बकरी पालन में सबसे आगे है जी। गरीब किसान वहाँ पे डंटा लेकर के दिन भर बकरी को चराते हैं और 100 बकरी 200 बकरी रख रहे हैं, कोई बीमारी नहीं और आगे भी बढ़ रहे हैं। जहाँ से हम लोग ला रहे हैं पूरा बिहार ढो रहा है, पूरा इंडिया ढो रहा है यूपी से। क्यों सक्सेस है? क्योंकि वहाँ पे बहुत बड़ा फार्म नहीं बनाते हैं, वहाँ पे बहुत बड़ा ट्रेनिंग नहीं करते हैं, समझे? ट्रेनिंग इसमें क्या उतना ज़्यादा करना है जी, जहाज चलाने की काम नहीं है। बकरी तो हमारे पूर्वज भी पोसते थे, गाय हमारे पूर्वज भी पोसते थे, निम्न तरीका से छोटा से शुरू कीजिए, जब बड़ा हो जाइए तो फिर ट्रेनिंग भी कीजिए, बड़ा फार्म भी बनाइए, बहुत कुछ वहाँ पे वैज्ञानिक ढंग से कीजिए, लेकिन कीजिए तो छोटा ढंग से कीजिए। और गरीब लोग ही इसमें सफल होंगे, वो 2-4 बकरी लाएंगे घर में पोसेंगे, उसको घास भूस खेत से ला के खिलाएंगे, वो सफल हो जाएंगे। अगर समय है तो ट्रेनिंग भी कर ले तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अगर कोई भी चीज़ का अगर जब तक ट्रेनिंग नहीं करते हैं तो जानकारी स्पष्ट रूप से आपको नहीं मिलेगा। होता क्या है सर, ट्रेनिंग करके वो बड़ा ख्वाब देख लेते हैं कि हमारा ट्रेनर जो है वो 100 बकरी रखे हुए, हम भी 100 से शुरू करें, हम इतना बड़ा फार्म बना लें, इस ढंग का फार्म बना लें, ये कंट्रेक्शन करें, ये सुविधा बकरी को दें, और वो बड़ा के चक्कर में ज़्यादा इन्वेस्ट कर देते हैं और नाकामी का मुंह देखते हैं। यही तो बिहार में जो लोग भी ट्रेनिंग लेकर के भी जो लोग शुरुआत कर रहे हैं, कहने का मतलब सरकार ये है कि आप छोटे स्तर से करिए, बिल्कुल ज़मीनी स्तर से शुरुआत कीजिए और उसको आप बड़े लेवल पर लेकर के जाइए। क्या ट्रेनिंग भी कीजिए लेकिन छोटा स्तर से ही शुरू कीजिए, एक छोटा किसान के शुरू कीजिए और छोटा स्तर से शुरू करके अपना 10-20-50 बकरी फार्म पे बना लीजिए, तब बड़ा फार्म बनाइए, तभी आप सक्सेस करेगा, अन्यथा 10-20 खरीद करके कोई सक्सेस नहीं कर रहा। और इसीलिए आज बिहार अपना बकरी पालन में इतना पीछे जा रहा और पीछे चलते ही जा रहा है। थोड़ा सा तो सर, हम एक और सवाल हम आपसे पूछना चाहेंगे बीमारियों के बारे में, थोड़ा सा हमारे दर्शक बंधु को बताएं कि काफ़ी सारे ऐसे बकरियां हैं जो बीमारियों से ग्रसित हो जाती है, तो आखिर क्या करें जो उनको फर्म पे बीमारियों का ये जो लक्षण है कई सारे, ये देखने को आपको नहीं मिले? देखिए सर, सबसे बड़ी बात है कि बकरी आप स्वस्थ खरीदेंगे जल्दी बीमार नहीं पड़ेगा, जवान खरीदेंगे जल्दी बीमार नहीं पड़ेगा, बकरी को टाइम टू टाइम वैक्सीन करेंगे, जो मृत्यु जिस बीमारी से मृत्यु होता है बकरी के, उसका वैक्सीन अगर आप लगा देंगे तो बकरी बीमार तो पड़ेगी लेकिन मरेगी नहीं। जैसे हम लोग बीमार पड़ते हैं, सर्दी खांसी जुकाम पेट दर्द पेट खराब, दवा खाते ठीक हो जाते हैं, सेम टू सेम बकरी का भी वही है। ये सब बीमारी आएगा, बकरी को आप दवा दीजिएगा ठीक हो जाएगा, लेकिन जो वैक्सीनेटेड वाला बीमारी आता है उसमें अगर आप वैक्सीन नहीं लगा कर रखेंगे तो उसमें बकरी मरती ही मरती है, और सबसे ज़्यादा मरती ईटी से, इटोटॉक्सिन, खाना चेंज हुआ तो ईटी हो जाता है, समझे ना, नया खाना कुछ दिए ज़्यादा खाना खा लिया ईटी होता है, ईटी से बकरी का पेट फूलता है और तुरंत मर जाता है, समझे ना। और जिनको जानकारी नहीं है वो देखते रह जाते हैं,
उसमें समय नहीं देता बकरी। पीपीआर से तो ठीक भी हो जाता है, एफएमडी तो ठीक भी हो जाता है, लेकिन ईटी से बकरी बहुत जल्दी मरती है। तो दोस्तों विशेष अगर जानकारी लेना चाहते हैं तो सर के दिए गए नंबर पर जानकारी स्पष्ट रूप से लेकर के आप फार्मिंग की शुरुआत भी कर सकते हैं। जो लोग किसान हैं, जो लोग एक दो बकरियों का पालन कर रहे हैं या फिर 10-20 बकरियों का पालन कर रहे हैं, वो लोग भी अगर बीमारी किसी तरीके का हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि आपको जानकारी का अभाव है कहीं ना कहीं। तो आप जानकारी निर्भय होकर के, बेफिक्र होकर के आप सर के नंबर पर कॉल करें और जानकारी स्पष्ट रूप से ले करके और फार्मिंग में एक नए मुकाम को छुएं। चलिए किसी और जानकारी भी लें। और दूसरी बात है, सबसे बड़ी बात है, बकरी बहुत अच्छा खरीदे। बर्बरी क्या होता, बर्बरी का नाम बेच रहे हैं लोग, बर्बरी का हवा बना हुआ, लेकिन बर्बरी क्या होता, हमसे मिलिए, हमारे फार्म पे आइए, हम दिखाते हैं। और 2, 4, 5 बकरी तक अगर आप लेते हैं तो हम जो बर्बरी देंगे वो बर्बरी रहेगा, उसको बोलते हैं बर्बरी, जिससे आप सफल हो सकते हैं। 2, 4, 5 अगर ब्लैक बंगाल मांगिएगा तो हम प्योर ला करके देंगे, जिसको बोलता है ब्लैक बंगाल। बकरी क्या होती है, कैसे फार्म में सक्सेस होता है, वो हमसे आकर के। कई फार्म पर भी सर आज हमें विजिट कराए हैं तो कई सारे एपिसोड आपको देखने को मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, फिर किसी और वीडियो में एक नई जानकारी के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।